इधर काजिम हाली से कह रहा है उसके घर वाले ऐसे बड़े बिल्डिंग में रहना नहीं चाहते, कोई बड़ा सा खुला खुला घर चाहिए। हालिस मान जाता है। फिर वो यूसुफ का बताता है काजिम को, कहता है कि वो तुम्हारा रिश्तेदार बता रहा था अपने आप को, यूसुफ नाम है उसका, सायरा के स्कूल में पढ़ता था, जानते हो उसे, मैंने उसे अपने घर पना दिया। काजिम चौंक जाता है, कहता है शायद होगा ऐसे तो बहुत रिश्तेदार है, फिर ये बोल के डरते हुए जाने लगते हैं। इधर सुना और सायरा मिलके यूसुफ को डांटते हैं, यूसुफ सफाई देने लगता है। काजिम उनकी बातें सुन लेता है, पूछता है क्या हो रहा है ये सब। फिर यूसुफ को पकड़ के कहता है कौन हो तुम, क्या कहा हालिस साहब से कि तुम हमारे रिश्तेदार हो और इन लड़कियों से तुम्हारा क्या वास्ता। दोनों बहनों की बैंड बज जाती है। यूसुफ बात संभाल लेता है कि उसने बस जॉब पाने के लिए हालिस से झूठ बोला कि वो उनका रिश्तेदार है, फिर बताता है कि वो असल में किसका बेटा है और दोनों बहनों की कोई गलती नहीं है। इब्राहिम आ जाता है, इसलिए काजिम नाटक करने लगता है कि यूसुफ सच में उनका रिश्तेदार है। यूसुफ को इब्राहिम ले जाता है, तब काजिम कहता है इन दोनों से कि तुम लोगों से हिसाब लूंगा मैं। ये लोग और डर जाते हैं। फिर काजिम जाने लगता है। सूना का डर से बुरा हाल है कि घर पे क्या होगा। सायरा को भी पैनिक अटैक आने लगता है। गुलगुन उसको संभालती है पर उन्हें समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है उसे। फरात आता है और यूसुफ जानबूझ के उसके सामने आता है। माहौल देख के वो यूसुफ को कार पे लेटा देता है और कहता है कि मेरे इलाज से पेट नहीं भरा तुम्हारा, फिर से मार खाने आ गए, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ वरना। यूसुफ कहते वरना क्या। हाँ, फरात जाने लगता है तो यूसुफ कहते हैं सायरा मुझसे प्यार करती है और मैं उससे, एक दिन हम साथ होंगे और तुम देखते रह जाओगे। फरात कहते हैं सपने देखते रहो, फरात की तो बहुत जली होगी। अच्छा जवाब दिया यूसुफ ने, अभी फिर से अंदर जाके सायरा पे गुस्सा निकालेगा और बकवास बातें करेगा। सायरा से कहते हैं कि खुश तो होगी तुम, बॉयफ्रेंड नीचे काम कर रहा है और तुम्हारी आपा का क्या मसला है, पेलिन को पीटा उसने। सायरा को बहुत मजा आया ये सुन के, कहती है ओ तुम्हारी शोना बाबू को पीटा गया, उसने तुमसे शिकायत की, ओ सो क्यूट बच्चा। फरहत की और जलती है। सायरा कहती है फिर से अपनी रखेल के पास गए थे और बेशरम कैरेक्टरलेस आदमी की तरह यहाँ आके दनदनाते हुए मुझे ब्लेम करने लगे। फरहत बकता है कि क्यों हम लोग ऐसे बहस करते रहते हैं। हाँ, अरे वाह, उसे नहीं पता कि बकवास वो शुरू करता है इसलिए। सूना के लिए काजिम दरवाज़ा ना खोल के चला जाता है और आबिदीन देखता है कि सूना रो रही है और ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही है। आबिदीन उसे संभालता है। फिर फरहाद से कहते हैं कि कुछ हुआ है क्या, सायरा का पागल बाप अजीब बिहेव कर रहा है, सूना रो रही थी। फरहाद फिकर करने लगता है, कहता है अच्छा रुको मैं सायरा से बात करता हूँ। अरे बाप रे, कितना केयरिंग हस्बैंड है। काजिम और उसमें बस पिटाई करने का ही फर्क है, दोनों से ही सायरा इक्वली डरती है। आकर कहता है सायरा से कि कुछ हुआ है क्या, सायरा रो पड़ती है, वो संभालता है। फरहाद कहता है मुझे बताओ मैं ठीक कर दूंगा। सायरा कहती है यूसुफ से सुना बात कर रही थी, डैड ने पकड़ लिया। फरहाद कहते हैं कुछ करेंगे क्या वो। सायरा कहती है हाँ पर अभी कुछ नहीं कर सकते हम लोग, देर हो चुकी है। इधर काजिम आता है सुना को लेके और आते ही उसके बाल पकड़ के गिरा देता है और फालतू का डांटता है। हतुज आकर डांटती है, तब काजिम रुकता है। वो कहती है कि चिल्लाओ मत, बाहर सुन लेंगे और ओरहान को फ़ोन कर देंगे। काजिम कहते हैं करने दो। फिर जैसे ही फरहाद की कॉल आती है डर जाता है काजिम। फिर कॉल उठाता है तो फरहाद कहता है सुना कहाँ है, उसे फ़ोन देंगे। काजिम कहता है सुना अभी थोड़ी बीमार है, बाद में बात करेगी। फरहाद कहता है आपने ऐसा क्या किया कि सायरा रोए जा रही है अपने आपा के लिए, आपको कुछ कहना है। काजिम कहता है कुछ नहीं हुआ। फरहाद कहता है आप वापस अंतिम कब जाएंगे। काजिम कहता है ये कैसा सवाल है दामाद जी, हम क्यों जाए। फरहाद कहता है क्योंकि मेरी बीवी आपको देखते ही रोने लगती है, वो कब से सुना के लिए रोए जा रही है। काजिम कहता है मुझे पता होता तो मैं बता देता। फरहाद कहता है ठीक है मैं दोनों बहनों को बाहर ले जाऊंगा। काजिम ना चाहते हुए भी हाँ कर देते हैं, यानी सुना को जी भर के पीट नहीं पाएगा ना। इधर फरहाद सायरा से कहता है डरो मत, अब तुम्हारा डैड सुना को कुछ नहीं करेंगे, कुछ करने से पहले 100 बार सोचेंगे। सायरा फरहाद को खुशी से गले लगा लेती है। फरहाद को अच्छा तो लगता है पर फिर कहते हैं कि तुम्हारे लिए नहीं सुना के लिए किया, तुम्हारे पढ़ाई को अब भी मैं सपोर्ट नहीं करता क्योंकि तुमने मेरे पीछे फिर से यूसुफ से बात की, फिर से झूठ बोला और मुझे पेलिन को लेके भी डांटा। स्पीचलेस सीरियसली, सायरा उसे लाख समझाएगी मजबूरन बात करनी पड़ी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वो पेलिन के साथ बेड पर होकर आता है डेली। और गेस व्हाट, जब फरहाद बकवास कर रहा था रोमांटिक म्यूजिक बज रहा था बैकग्राउंड में। वाह डायरेक्टर, सायरा कहती है फिर से कॉन्ट्रैक्ट शुरू कर रही हूँ मैं, नहीं मिल सकते तुम पेलिन से क्योंकि मैं पढ़ाई ना करूँ, यूसुफ से मैं ना मिलूँ और तुम जो मर्जी करो। फरहाद पेलिन को लेके काफ़ी हसास है, पेलिन को नहीं छोड़ सकता, इसके लिए सायरा से लड़ने लगता है। सायरा की सीरियसनेस देख के डील पक्की कर लेता है पर ये नहीं कहता कि पेलिन से नहीं मिलेगा, ये कहता है कि तुमसे चिपका रहूँगा अब, जहाँ तुम वहाँ मैं, बोल के उसे खींच लेता है अपने पास। इधर काजिम सुना से कहते हैं कि अगर तुम्हारी बहन को कुछ बताया तो आज वाली मार कल पूरी तरह से पड़ेगी, समझी। हतुच वैसे अभी सुना को सपोर्ट करने लगी है। इधर फिर से फरहाद यूसुफ की बातें करता है, फिर से सायरा पेलिन की बातें करती है और फरहाद वही बकवास करते कि मैंने पहले से बताया था। सायरा भी लाइक एक ही फटी बांसुरी बजाते हो, मैंने पहले से बताया था, सीरियसली यार एक ही डायलॉग्स रिपीट क्यों करा रहे। फरहाद पूछता है कि यूसुफ को अब भी चाहती हो, सायरा कहती है नहीं। फरहाद कहता है कि सुना से क्यों कहा फिर कि चाहती हो। सायरा कहती है किसने बका ये तुमसे। फरहाद कहता है पेलिन ने।
सायरा कहती है, उसे मेरे सामने कहने बोलो, उसको पीस के रख दूंगी। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, बकवास कर रही है वो। सुबह फरहत इफ़ाकात के पास आता है, कहता है आपने जो कहा मैंने किया, पर सायरा गुस्से में है। इफ़ाकात कहती है ठीक हो जाएगी, तुम सही जा रहे हो। फरहत कहता है मैंने आज सारा दिन सायरा और सुना को बाहर खाने पे लेके जाना चाहता हूँ, आप दादाजी से परमिशन लेंगी? दरअसल काजिम की वजह से दोनों परेशान है इसलिए, और आपको पता है ना कि परेशान रहेगी तो बेबी नहीं दे पाएगी सायरा। इफ़ाकात कहती है ज़रूर जाओ। अच्छा तो बाप को फॉलो कर रहे फरहत? उसे सायरा की पढ़ाई रोकनी नहीं थी, पर डेली के कामों को निपटाने के लिए दादाजी को मनाने का काम इफ़ाकात कर सकती है, इसलिए उसके कहे मुताबिक चल रहा है। कैसे बच्चियों जैसे बातें कर रहा है इफ़ाकात के सामने। थैंक गॉड चाची जी को इज्जत से मना रहा है, वरना इस घर में तो आदमियों का अलग ही। एनीवेज टॉपिक चेंज। इफ़ाकात कहती है फुआद को लेके जाना। फरहत कहता है आसुमान को भी ले जाता हूँ। इफ़ाकात कहती है नहीं। फरहत पूछता है उसे अजीब नहीं लगेगा? इफ़ाकात कहती है उसे पता ही नहीं चलने दूंगी, तुम फुआद को लेके जाओ, उसे सुना से ऑफिस का काम भी है। यानी इफ़ाकात अब जान चुकी है फुआद के सीक्रेट लव का, और वो सुना से उसका अफेयर कराना चाहती है। अभी फरहत सायरा को रेडी होने कहता है, सारा दिन बाहर रहना है। सायरा नहीं जाना चाहती, पर अचानक फरहत एक सीरियस 40 साल के आदमी की तरह कहता है कि सायरा हम कितने दिन ऐसे एक जगह पे लड़ते रहेंगे, चलो ना कहीं पे जाके रिफ्रेशमेंट करते हैं। सायरा भी लाइक कभी 8 साल के बच्चे कभी बुजुर्ग, मुझे समझ नहीं आता, कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ। फिर रेडियो के सब निकलते हैं तो सायरा देखती है फरहत ने उसके लिए बोट का इंतजाम किया है। वो डरती है तो फरहत उसे समझा के उसे किसी तरह बोट पे लाता है, फिर भी बहुत डरती है। फरहत उसे डराता है कि तैरना आता है ना, आई मीन कुछ भी हो सकता है, बोट पलट भी सकता है, फिर समुंदर में तैरना होगा। सायरा मुंह बनाती है, सायरा से कहते हैं कि कभी इंजॉय कर लिया करो। सायरा इंजॉय कर रही होती है तो दूसरे बोट्स शोर करने लगते हैं। सायरा डरते हुए फरहत का हाथ पकड़ लेती है, फरहत मज़े लेता है तो सायरा हाथ हटा लेती है, पर दूसरी तरफ चेहरा करके मुस्कुराने लगती है। इधर हालिस इनकी जान निकालने बैठा है, कहता है काजिम ने कंप्लेन की कि तुम लोगों ने बड़ी बहन का हाथ मांगा और बाद में छोटी बहन को ले आए। इफ़ाकात पर चिल्लाता है कि मुझे पहले क्यों नहीं बताया। इफ़ाकात बहाना बना देती है। हालिस कहते हैं कि क्या हम पर यह सूट करता है कि हम अपने वादों से मुकर जाए? सोना और सायरा में क्या फ़र्क है कि फरहत ने ऐसा किया? अभी यहाँ होता ना तो उसकी खबर लेता मैं। ओरहान कहते हैं कि काजिम तो बड़ा खुश था सायरा के शादी होने से, अब क्या हो गया उसे? हालिस कहते हैं कि अब खुश नहीं है। एनीवेज शिकायत का मौका ना दो, उसे जो घर चाहिए उसे दिला दो। अच्छा तो काजिम को घर चाहिए था इसलिए ये शिकायत लेके आया था। सो ग्रीडी। ओके देन वीडियो खत्म।